रही है और मुझे टेंशन हो रही है कि ये तो मुझे पछाड़ देगी लड़की। वो भी ऐसा नहीं है, बाहर निकल गए थे और पहुंच गए हैं घर, और मासी को भी आपको दिखाएंगे। हमसे पहली बार मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? ऐसे करते हैं आप सभी अच्छे हो गए। आपके अपने ही चैनल रेखा गुजर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। देख लो, गला मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है और खासी, मतलब कल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी, उस वजह से कहीं जाओ ना तो कुछ चाय नहीं पी, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी ली थी एक दो बार। अब कब तक ना पिए, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है। और चाय वगैरह के लिए भी है ना, वो नहीं छूटती मेरे से, छाया नहीं छूटती, इस वजह से शायद नहीं हो रहा है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा पूरा काम फिनिश हो गया। खैर, कपड़े धोने का तो क्या बताऊँ, कपड़े तो मशीन ने धोए, मैंने सिर्फ सुखाए, उसमें डाले और सुखा के आई हूँ, और कपड़े उपड़े धो गए हैं। और आप सबको दिखाऊँ, सब्जी भी मेरी बन गई है। टाइम हो रहा है 8:30 और वेट कर रही हूँ, और लड्डू गोपाल भी नहा, मतलब जो काम था, मतलब सब काम मेरा फिनिश हो गया है। सोच रही हूँ वो आए तो उसके लिए एक आध रोटी बना दूंगी पिंकी को। पहले मेरा मन था कि रोटी खा के जाऊँगी, सुबह सुबह मुझसे तो खाया है, मुझसे क्या पता नहीं, वो भी पूछा है मैंने, खा लेगी वैसे कुछ बोल रही थी। देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है, ये मेरी सब्जी। और बच्चों का लंच, मतलब मैंने सुबह सब लंच के लिए सब्जी बनाई थी, लेकिन लंच उन्होंने, वो गए ही नहीं है स्कूल, आज छुट्टी मार ली और हमसे काम करवा लिया है। दीशु पापा मेरे से काम करवा लिया, और अपनी बेटी भी ना भेजी। दीशु ने तो खैर मना कर दिया था, दीशु की को जुखाम है बहुत तेज, हमें जुखाम है, इन्हें जुखाम है, और ये ऐसे हो रहे हैं जुखाम में, और मेरे कई दिन से है, ये आराम से बेचारे आराम कर रहे हैं, इन्हें जुखाम हो रहा है और हम काम कर रहे हैं। अरे पूरा काम फिनिश हो गया, आटा लगा के रख दिया, वो आएगी तो रोटी सेकूंगी जब भी। और फिर मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ आप सबके साथ, और आप सबसे बातें कर लूँ। अच्छे से तो बातें नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है गला, खांसी जुकाम है मुझे, ऐसा नहीं है गला ही ख़राब है, इन्फेक्शन हो गया गले में, तो दवाई वगैरह भी बस वही, मतलब सिरप रखा हुआ है वही ले रही हूँ, शायद दवाई डॉक्टर से लानी पड़ेगी, तो ज़्यादा लापरवाही ना करते हुए। अब मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ, और मैं क्या करूँ, काम जो था, बच्चे उठेंगे तब काम होगा, अब और जो होगा, बच्चे अभी सो ही रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और बेटी उस कमरे में सो रही है, और बस आप सबसे, क्योंकि काम तो फिर चलता ही रहेगा। अभी व्लॉगिंग, अभी वीडियो का भी काम था, वीडियो भी एडिट आके, रात भी आके मतलब एडिट की थी, और रोटी बनाई थी, चटनी पुदीना की चटनी बनाई थी, और रात मतलब वहाँ से जहाँ मतलब भात बनाई थी उस आने के बाद, वैसे खाना था वहाँ प्रॉपर था, लेकिन बच्चे नहीं गए थे, बच्चे नहीं जाते, बच्चे किस किस के नहीं जाते हमें कमेंट करके बताना। मैं आप सब, क्योंकि बोर ही कर रही होंगी इसलिए कुछ देर बाद मिलते हैं आप सभी से। दोस्तों पिंकी के लिए रोटी सेक के भी रख दी है, और ये मैंने लगा के रख दी है, ढक के रख दूंगी, और ये सब्जी, सब्जी भी खाली करके रख दूंगी कटोरा में। और 9 बजने वाले हैं, 9 बज के दिखे हैं दीशु बाबा, 9:15 हो गए, अभी तक नहीं आई है, मैं 8:30 बजे से वेट कर रही हूँ। और चटनी ये रात की थोड़ी सी बची हुई है, पुदीना की और लहसुन की, और दही डाल के बनाई थी मैंने, और बाकी मेरा मन नहीं कर रहा रोटी खाने का, बस वो खाएगी, तो पिंकी के लिए मैंने बना दिए, और अब भी वेट कर रही हूँ पिंकी का। तो भाई इस लड़की ने खाना नहीं खाया है, हमने पिए चाय, इसने पिए चाय, और मेरी रोटी बनी बनाई यूं ही छोड़ दी इस लड़की ने। और चलते हैं हम मासी के पास, और ये भी चलती है, चलते हैं। हेलो गाइज, ये चैनल बनाने का सोच रही है, और मुझे टेंशन हो रही है कि ये तो मुझे पछाड़ देगी लड़की। ये सुपरस्टार बनने वाली है कुछ टाइम। हेलो बोल दो, मुस्कुरा रही है, समझ गई समझ गई समझ गई लड़की समझ गई। तो चलते हैं, और फेस पर भी दिख रहा है तबीयत खराब है, बिल्कुल डाउन डाउन सा। चलो चलते हैं, तो मिलते जितना भी सूट होगा रास्ते में, हम आप सबसे मिलते हुए जाएंगे। और ये लड़की पर्स भी लेके आई है, देख लो ये पर्स है इसका, है तू क्यों लेके आएगी पर्स?
तू क्यों लेके आएगी पर्स? नानी के घर पे। तो चलते हैं इसकी नानी के घर। कैसे? नहीं ना ना। हाँ मच्छर, मच्छर ना है। नानी तो आदि सुपापा भी अच्छे हो गए हैं। आज टाइम से हमें पूरे पूरी पेमेंट अदा कर दी है हमारी पर्सनली आपने जाने के लिए। क्या तेरे पास तो है पर्स? उसी में रख लूंगी अपना फोन भी सब कुछ। तो इसके पास पर्स, मैं क्या करूंगी पर्स लेके? और कानों में कुछ नहीं पहना। पिंकी कह रही, पिंकी तू ले आती, गोल्ड के तो पहन नहीं सकते। मेरी ना ना। अच्छा ना, अरे है तो सही। चलो मैं देखती हूँ, पहन लेती हूँ कुछ। कानों में इसे अजीब सा लग रहा है। सही तो है, ला तो पहन लो। फोन चालू है तो गाना हमारा मिल चुका है। मौसी येरी, चल मौसी के साथ। आ चुके हैं हम कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट का नाम और हम सब भी। तो बस छोटी छोटी क्लिप ली थी, ये था कश्मीरी गेट का। और मासी को देखने गए यहाँ पे, मतलब 3 दिन से मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो मैंने कहा संडे को ही बोला, मैंने कहा कल मौसी को देखने चलेंगे, नहीं तो यही होता है। उस दिन भी इसके पापा को, दीसू पापा को फीवर हो रहा था, लेकिन बस मैं चली ही गई। और बस बदरपुर जाके उतर लिए, थोड़ा थोड़ा सूट किया था। काम है ये तो मेरा, जहाँ भी जाना है व्लॉगिंग तो थोड़ा बहुत सूट कर ही लेते हैं। तो मासी की तबीयत मुझे पहले से कुछ सुधार लगा, और बदरपुर उतर लिए थे हम वहाँ पर। और मासी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से वॉक करते हुए चले जाते हैं, थोड़ा सा ही दूर पड़ता है। वॉक करते हुए भी ऐसा नहीं है, बाहर निकल गए थे और पहुँच गए हैं घर। और मासी को भी दिखाएंगे, जैसे हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल जब मैं देखने गई थी मेरी हिम्मत नहीं हुई थी ब्लॉग बनाने की, तो आप सभी से अब मिलाएंगे। ये लड़की मौन हो रही है, देख लो मिर्च भी खा रही है और दाल रोटी सब कुछ। मिर्च मांगी या ना, मिर्च मांगी ना। भाई वह बहुत टाइम हो गया, खाना वाना खा लिया, चाय पी ली जैसे कि आप सबने देखा। और आए हुए तो हमें 4 घंटे हो गए, 3 घंटे है ना, 3 घंटे हो गए। और कुछ भी सूट नहीं किया, ये मौसी जी सोई हुई है हमारी। कितनी कमजोर होगी ना मौसी, बिल्कुल बदल गई। पहली वीडियो में देखूंगी, मैंने वीडियो तो बनाई ना है ना, उसमें तो एकदम अलग ही है। चलो कमजोर। ये लड़की कौन है? बताने कहाँ से आ गई ये लड़की है? क्लियर नो आ रहा ना बाप, है ना, है ही नो, ये तो है भी तो नो ही हूँ। हम सुंदर भी तो कहाँ है। तो हेलो बोल दे और नानी ना आ रही, बता दे नानी ना आ रही हमारी, लेट हो गई। अनु कह रही मैं आ रही हूँ अभी। आ रही हूँ और अब हम जा रही है। हम जा रही है और ये हमारी छोटी भाभी है व्लॉग में पहली बार। क्या नाम है? पूजा मोनिका भाभी। हमेशा मैं कंफ्यूज हूँ हमेशा। हेलो बोल दो, आप भी हेलो बोल दो भाभी जी। भाभी आप व्लॉग देखते हो? देखते हैं भाई। ये थैंक यू सो मच, देखते हैं लाइक भी करते हैं। थैंक यू सो मच। देखो ये सब ब्लॉगर है हमारे हैं। ये दूसरी भाभी को फीवर है इसलिए नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं। आज पूरे अच्छी तरह से अपनी छोटी भाभी को दिखाएंगे। शादी तो साथ में हुई भाभी की, लेकिन ये बाद में आई है। और ये हमारा छोटू है, छोटू 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 छोटू। हेलो छुटकू। भाभी आपको हमसे पहली बार मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो हम अगली बार अच्छे से होके आएंगे, अभी हमारी भी तबीयत खराब है आज है, फिर अच्छे से मिलेंगे। और मासी भी ठीक हो जाएंगी, पहले से तो खैर काफी आराम है।